ओम शांति। एक शिव भक्त शिव की आराधना कर रहा था और शिव के ऐसे पीछे पड़ गया था, दिन रात एक ही हट, एक ही रटन कि कुछ ऐसी वस्तु दे दो जीवन में कि फिर कुछ और मांगने की जरूरत ना पड़े। तो दिन रात उठते जागते एक ही प्रार्थना, बस एक ही जिद पर अड़ा हुआ। शिव भी परेशान हो गए, क्या करे इसका, क्योंकि ये तो पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब देखो तब प्रार्थना। तो एक दिन शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसी का ही रखा हुआ एक शंख उसे थमा देते हैं और कहते हैं, ये लो शंख, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं ये शंख पूरा करेगा। वो मांगता है, मुझे कुछ ऐसी वस्तु दो जिसमें जीवन में मौज आ जाए, जीवन में मजा आ जाए, फिर कुछ और मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो भगवान भी उससे कहते हैं, ये लो शंख, इस शंख से तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है उस शंख को लेकर। फिर वो प्रयोग करके देखता है कि मेरे लिए एक महल बना दो, तो वो शंख महल बना देता है। तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि असली चीज है। और फिर बाकी सब छोड़ देता है, वो जो भक्ति चालू थी, वो जो भगवान के नाम का जप चालू था, सब कुछ, क्योंकि असली वस्तु हाथ में आ गई। तो वो पैसे मांगता है, पैसे मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें मांगता है, वो सब चीजें उसे मिल जाती है, और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और एक दिन उसके महल में एक सन्यासी आते हैं। उस सन्यासी के पास और कोई तो वस्तु थी नहीं, केवल एक झोला था, और उस झोले को वो सन्यासी बहुत ही ध्यान से संभाल कर रखता था। इतना संभाल के कि इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, आखिर इस झोले में है क्या। उस सन्यासी ने उस झोले में एक शंख रखा हुआ था। तो ये पूछता है, उस झोले में है क्या, तो वो कहता है, इस झोले में महाशंख है। वो कहता है, ये महाशंख क्या होता है। सन्यासी कहता है, जितना शंख दुनियावी लोगों के पास होता है उससे ये साइज में और शक्ति में बड़ा है। ये व्यक्ति कहता है, एक शंख तो मेरे पास भी है, मैं उससे जो मांगता हूं, अब आपसे क्या छुपाना। वो शंख दे देता है। वो योगी कहता है, मेरा ये शंख अद्भुत है, मैं इसे एक मांगता हूं ये दो देता है। मैं कहता हूं एक दो, वो कहता है दो दूंगा। इस व्यक्ति को लगता है, कहां हम गरीब शंख लेके बैठे हैं, हद हो गई। शंख तो ये है जो एक मांगे और दो दे। पर वो सन्यासी कहता है, इसकी एक शर्त है, मध्य रात्रि अंधेरी रात में इसे मांगना होता है, आज रात ही प्रयोग करके देखते हैं। दोनों मध्य रात्रि, सन्यासी कहता है, एक कोहिनूर हीरा दो। शंख कहता है, दो दूंगा। सन्यासी कहता है, दो दो। वो कहता है, चार दूंगा। सन्यासी कहता है, चार दो। वो कहता है, आठ दूंगा।
वो व्यक्ति कहता है ये है अस्थि शंख और कहां हमारा वो शंख, ये भी कोई शंख है। सन्यासी के चरणों में गिरता है, आप साधु सन्यासी ठहरे वैरागी, आपको ऐसे शंख की क्या जरूरत, आप हमें वो शंख दे दो और मेरे पास भी शंख है वो आप ले लो। सन्यासी कहता है मैं पहले इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। वो उसकी बातों को नहीं समझता और वो बड़ा शंख ले लेता है, महाशंख, और इंतजार करता है आधी रात का। आधी रात होती है और वो उस शंख से कहता है एक बड़ा महल दे दो। शंख कहता है एक नहीं दो दूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा दो दे दो। वो शंख कहता है दो नहीं चार दूंगा। व्यक्ति कहता है चार दे दो। वो कहता है चार नहीं आठ दूंगा। वो कहता है आठ ही दे दो। वो कहता है आठ नहीं सोलह दूंगा। आंकड़े बढ़ते जाते हैं और सुबह हो जाती है, गांव वाले एकत्र होते हैं, आखिर क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है पर देता कुछ नहीं, काली बोलता है। फिर उसको समझ में आता है वो सन्यासी क्यों इससे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि असली शंख तो सन्यासी ले गया, ये तो झूठा शंख है, ये केवल बोलता है और देता कुछ नहीं। वो कहता है वो महात्मा दे दो कहां है। वो कहता है एक नहीं दो दूंगा। संसार के महाशंख केवल बोलते हैं परंतु देते कुछ नहीं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने हमें दो विशेष सौगात दी है। कौन सी? एक कंगन और दूसरा मास्टर की। ये कंगन कैसा है? हीरो हीरे से भी मूल्यवान, मूल्यवान। ये कंगन कैसा है? स्नेह का। ये कंगन कैसा है? ईश्वरीय। ये कंगन कैसा है? जादू का। इस स्नेह के कंगन से तुम जिस चीज का आह्वान करो, बोलने की आवश्यकता नहीं, दे दो, केवल संकल्प से आह्वान करो, वो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। ब्राह्मणों के खजानों में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, अनअटेंड, अनऑप्टेंड, अनउपलब्ध, ऐसा कोई संसार का खजाना नहीं। क्या ऐसा स्नेह का कंगन हमने पाया है? क्या ऐसा मूल्य जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, ऐसा निर्मूल्य, प्राइसलेस, बाबा कह रहे हैं ऐसा कंगन मैंने तुमको दिया है। स्नेह का है ये, जादू का है, ईश्वरीय है, जितना मांगो उससे कई गुना अधिक देता है और सब कुछ दे देता है। स्वयं स्वयं को देखना है कि ऐसा कंगन भगवान ने हमें पहनाया है। कंगन ही क्यों, किसी ने प्रश्न पूछा था, 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार कंगन है, बाकी देने वाले की मर्जी, कंगन पहना है या और कुछ, पर जो भी है यह दृश्य कंगन है। जिस चीज की आवश्यकता हो आह्वान करो, वो आ जाएगी। मन की एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता का आह्वान। परिवर्तन नहीं हो रहा, सब कुछ कर दिया, उस परिवर्तन शक्ति का आह्वान आ जाएगी। जो जो चाहिए उस चीज का आह्वान अधिकार से। मांगना नहीं, भिक्षा नहीं मांगना, भिखारी नहीं बनना, अमृतस्य पुत्राः, अमृत की संतान हो, राजा की संतान भिखारी नहीं हो सकते। हृदय में जो आध्यात्मिक दरिद्रता अगर कहीं छुपी है उसे
इस कंगन के द्वारा ठीक करना, भर देना। तो ऐसा ऐश्वर्य कंगन, जादू का कंगन, स्नेह का कंगन और अमूल्य कंगन, चार विशेषणों का प्रयोग किया है बाबा ने इस कंगन के लिए। और दूसरा है क्या मास्टर की, जो खजाना चाहिए। पवित्रता में गड़बड़ है, पवित्रता के खजाने का आह्वान, आ जाओ। खुशी कम है, उस खुशी का आह्वान, आ जाओ। संतुष्टता नहीं जीवन में, अपनों से, बड़ों से, छोटों से, दोष व्यक्तियों में नहीं, चेतना में। आत्माएं वही कर रही है जो उन्हें करना चाहिए, उन्हें बदलना हमारा काम नहीं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। गहरे तल पर जो चित्त अशांत और अतृप्त है, वो किसी व्यक्ति के वजह से नहीं, ना ही किसी वस्तु की वजह से, अंदर ही अंदर एक संस्कार हो चुका है। असंतुष्टता के पिंजरे में चेतना कैद है और अतृप्त है अपनों से, बाहर वालों से कम, बड़ों से, साथियों से, छोटों से, ब्राह्मण परिवार से। क्यों है? कोई स्पष्ट कारण नहीं। कारण ढूंढो तो लगता है श्रीमत के विरुद्ध है। मास्टर की हमें मिली है, क्या हम आह्वान कर रहे हैं? टाइम खजाना है, समय खजाना है, आह्वान इस समय के खजाने का। तो समय दिन में वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो वेस्ट होते रहेगा। बहुत सारी टीचर रहने बैठी है और एक दुख की बात याद आ रही है जो किसी कन्या ने सुनाई। 6 मास से सेवा केंद्र पर गई है और जब से सेवा केंद्र पर गई है टीवी देखने की आदत लगी है, क्योंकि वहां के सभी देखते हैं। समय कौन सा चल रहा है और कर क्या रहे हैं? रात को 9 से 11 फिक्स टाइम है टीवी देखने का, 11 बजे सोने का और अमृत वेले के लिए नियमित उठना। ऐसा नहीं कि अमृत वेला मिस कर रहे हैं, पर क्या अमृत वेला हो रहा होगा? क्या आंखें देख रही है रात में सोने से पहले? और यह भी नहीं कि उसमें इंटरेस्ट है, जो दिखाया जा रहा है वो देखा जा रहा है। यज्ञ की पूर्वज आत्माएं आए और ये सुने कि मैंने जिनको अपने सेवा केंद्र पर निमित्त बनाया है वो क्या कर रही है। समय खजाना है, हर एक टीचर है वैसे तो। ज्ञान का खजाना, आह्वान करना है। गुणों का खजाना, आह्वान करना है। क्यों गुण नहीं धारण हो रहा? क्यों चेतना दुखी दुखी रहती है? क्यों? खुशी का खजाना, संकल्प का खजाना,
क्यों संकल्प व्यर्थ होते हैं, क्यों संकल्पों में इतनी मिलावट। तो बाबा ने आज की मुरली में इस विशेष मिलन में ये दो खजाने, ये दो सौगात दी है, पहला कंगन और दूसरा चाबी। चाबी घुमाओ सब खजाने खुल जाएंगे। एक मांगो तो कितना देगा? केवल बोलेगा नहीं, सीधा दे देगा। झूठे शंख की तरह नहीं जो केवल बोलता है 8, 16, 32, 64, केवल गिनती बढ़ती जाती है पर देता कुछ नहीं। तो आज की अव्यक्त वाणी में बाबा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं, उनके लिए इतनी सुंदर एक बात कही है कि ये सारे बच्चों ने क्या करके आए हैं यहां पर, क्या करके आए हैं? दीवारें तोड़कर, लांग कर, कूद कर, छलांग मारकर यहां आए हैं। बड़ी बड़ी चाइना वॉल, 5 प्रकार की दीवारों का की चर्चा बाबा ने मुरली में की है, पर उसके अतिरिक्त तो भी बहुत सारी दीवारें हैं। धर्म की दीवार, देश की दीवार, नॉलेज की दीवार, रीति रस्म की दीवार, मान्यताओं की दीवार, इसके अतिरिक्त भाषा की दीवार, इसके अतिरिक्त चर्च के घंटे की दीवार, चर्च की घंटी की दीवार और मस्जिद के अजान की दीवार, वैभव की दीवार, धन की दीवार, पोशाक की दीवार, संस्कृति की दीवार, सभ्यता की दीवार। किस संसार में वो रहते हैं, वो सब कुछ तोड़कर, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़कर, गीत को भी याद किया बाबा ने, ऊंची दीवारें, ऊंचे समंदर, दो प्रकार की दीवारें, एक स्थूल एक सूक्ष्म। भारत वालों ने कौन सी दीवार? भक्ति, केवल बचपन से ही सुन रखा है देवी देवताओं को, वो जिनका जन्म उस परिवार में जहां पर इस तरह की कोई बातें नहीं, उन्होंने देवी देवताओं को स्वीकार कर लिया, इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को स्वीकार कर लिया। धर्म की दीवार बहुत कड़ी दीवार है, फैशन की दीवार कड़ी दीवार है, उस धर्म से निकलकर यहां आ जाना, इस्लाम से निकलकर यहां आ जाना जहां पर अनवरत संघर्ष है। काफिर कहलाए जाते हैं जो धर्म को छोड़ देते हैं, वो सारी दीवारें क्रॉस कर, तोड़कर यहां आ गए। ऐसे बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। सूक्ष्म दीवार कौन सी है जिसको अभी भी हमने भी लांघा नहीं? स्थूल दीवार तो वो है, सूक्ष्म दीवार भी है, कौन सी? भगवान यहां खड़ा है, आंख खोलो और दिखाई देता है बूढ़ा बाबा, सफेद सफेद बाबा, परंतु सूक्ष्म दीवारें अभी भी हमने लांघी नहीं है, वो कौन सी है? मन के बंधनों की दीवार, मैं की दीवार, अहंकार की दीवार, ये सूक्ष्म दीवारें हैं। हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उनका कारण मन में ही समाया हुआ है। हम ही निर्माता है विघ्नों के, हम ही विघ्न करता है। विघ्न है कहा? मन में। बंधन है कहा? मन में। बेहोशी विघ्न है, मूर्छा विघ्न है, मूर्छा दीवार है, बेहोशी दीवार है, बेहोशी पिंजड़ा है, देहभान पिंजड़ा है। जब तक इस पिंजड़े में, इस देहभान में, इस दीवार के हम इस ओर है, तब तक भगवान सामने है, खड़ा है, ट्रांसलाइट के सामने बैठे हैं, परंतु शरीर बैठा है, बुद्धि कहीं और है।
इस बेहोशी से स्वयं को छुटकारा दिलाना है। एक तोता उड़ रहा था, एक ट्रक आया और उस ट्रक तोते को से टकराया और तोता बेहोश हो गया। उस ट्रक के ड्राइवर ने तोते को लिया घर, घर लेके गया और एक पिंजरे में डाल दिया। तोता दूसरे दिन बेहोशी से जागा और पहली चीज उसने कहा, अरे जेल, कहीं ड्राइवर मर तो नहीं गया। बेहोशी से जागो और पाओ कि जेल में है और पिंजड़ा बहुत सूक्ष्म है और शायद जागरण हो भी ना, और सारा ब्राह्मण जीवन इसी जेल में ही गुजर गया और हमें पता ही नहीं किस जेल में हम थे, और हम केवल देखते रहे आकाश में दूसरे पंछी उड़ रहे हैं, चेतना के उस आकाश में वो उड़ रहे हैं और हमें उसका कोई ख्याल ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई है जेल में रहने की, आदत पड़ गई है हद की, आदत पड़ गई है बंधनों की, फिर बंधनों के सिवा चैन नहीं आता, फिर सारे बंधन चाहिए। जब तक हाथों में बेड़ियां नहीं नींद नहीं आती, जब तक अंधेरा नहीं कमरे में फिर नींद नहीं आती, क्योंकि आदत अंधेरे की पड़ गई है। अंधेरा मन में है, अंधेरा सूक्ष्म है। स्वयं की बेहोशी को जानना, स्वयं के अंधेरे को जानना, स्वयं के विकारों को जानना, और जितना जितना अध्यात्म में इन्वर्टेड कॉमा मन और बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, जितना जितना अध्यात्म में मन और बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, पंचेंद्रियों से परे जो संवेदना है उसकी प्रतीति और अनुभव होने लगेंगे। इंद्रियों से परे जो जगत है, इंद्रियों से परे, इस जगत से परे एक दूसरा जगत और भी है अध्यात्म का, उसकी अनुभूति होने लगेगी। उस जगत में कुछ और ही है जो यहां प्राप्तियां है, उस जगत में उसका त्याग प्राप्तियां है, और इस जगत में जो वहां प्राप्ति है उसका त्याग यहां प्राप्तियां है। मैं किस जगत में जी रहा हूं? श्वेत वस्त्र और बैच, अमृत वेला उठना और मुरली सुनना और ब्राह्मण का स्टैंप, क्या यही अध्यात्म है? किसी विशिष्ट स्थान पर रहना और कोई विशिष्ट सेवा करना, क्या इतना ही अध्यात्म है? ये यात्रा अंतर जगत की है, बहुत गहरी। तो बाबा ने दीवारों की चर्चा की, तो अपने आप से पूछना, पहला प्रश्न, कंगन मिला है? दूसरा प्रश्न, चाबी मिली है? तीसरा प्रश्न, कौन सी दीवारें अभी रह गई है जो क्रॉस नहीं की है? चाइना वॉल की तरह खड़ी है, काम की दीवार है, फैमिलियरिटी की दीवार है, अटैचमेंट की दीवार है, सेवा ही दीवार तो नहीं बन गई? सेवा करने निकल पड़े थे उमंग उत्साह से और सेवा ही बंधन का कारण बन चुकी, ऐसा तो नहीं? चेक करना है स्वयं को। तो मुरली की शुरुआत करते हैं, बाबा क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े बच्चों को देख रहे, बड़ा बड़ा बाप और बड़ी बड़ी दिल से। किसको देख रहे हैं? बड़े बड़े बच्चों को। कितने बड़े? कितने बड़े? बहुत बड़े।
संसार की सर्व महान आत्माएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, महान से महान आत्माएं, कल्प वृक्ष के नीचे जो फाउंडेशन है, जो संसार की आत्माओं के दादे परदादे हैं, बाप दादा है, जो डबल पूज्य है, जो बेफिक्र बादशाह है, जो व्हाइट और लाइट एंजल्स है, ऐसी आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। और कौन सी आत्माओं को देख रहे हैं? एक शब्द बाकी है सबसे पावरफुल आज की मुरली से, हमारी जिसमें बहुत तारीफ है, हमारी मिठास की तारीफ है, किशमिश से भी मीठे, ये सभी के लिए कहा जा रहा है, जो हमारे साथी है उनके लिए भी, पॉइंट टू बी नोटेड, जो हमसे गलत व्यवहार करते हैं और बाबा का के बच्चे हैं वो भी, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे नीचे है और हमारे इर्द गिर्द है, और जिनके हाथ में तलवार है और जिन्होंने ये संकल्प किया है हमें संपूर्ण बना के छोड़ेंगे, और जिन्होंने अपने ज्ञान और योग का भी त्याग कर हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए अपने योगी जीवन को दांव पर लगा दिया है, वो भी इसमें शामिल है। और जो चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में अचल अडोल बने और वो हर विपरीत परिस्थिति को लाने का कलंक अपने ऊपर उठाते हैं हमें संपूर्ण बनाने के लिए, कितने बड़े त्यागी है वो। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद, यदि उन्होंने हमारे जीवन में ये विघ्न न डाले होते तो हमें विघ्नों की टेस्ट कहां पता चलती, क्लास आगे कैसे बढ़ती, विघ्न विनाशक का सर्टिफिकेट हाथ में कैसे आता। तो किशमिश से भी वो भी मीठे और हम भी मीठे, हमसे वो थोड़े से ज्यादा ही मीठे हैं, क्योंकि उनकी मिठास ऐसी है, क्योंकि अंदर वो मीठे, बाहर उन्होंने कड़वाहट का एक ढोंग रचा है केवल, और हम बाहर से मीठे हैं और अंदर उनके प्रति कड़वाहट, तो भगवान किसको पसंद करेगा, सच्ची दिल पर साहेब राजी, उन्हें या हमें, क्योंकि हमारे अंदर ही अंदर जो बात कांटे की तरह चुभी है और हम किसी को कह नहीं सकते, और उनके प्रति वो बात है, पर उनके हृदय तो साफ है, सच तो विठो नच, वो नाच रहे हैं और हम दुखी हैं। तो बाबा ने ऐसे ऊंचे समान हमको आज दिए हैं, संगम युग के दिन 9 बातें बताई है टोटल, क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर, बड़ा दिन है, कल्प के हिसाब से संगम युग भी बड़ा दिन है, पूरा ही संगम युग एक दिन है, इसके मूल्य को भी जानना है। उधर क्राइस्ट था, 12 शिष्यों में से एक शिष्य यहूदा, जुडास, 30 रुपए में जीसस क्राइस्ट को बेच दिया, दुश्मनों से जाके मिल गया, उनको बता दिया इसका पता ठिकाना यहां है, जाकर उसको पकड़ लो, और वो पैसे ले लेता है। कितने साल तक वो जीसस के साथ रहा, पर उसके मूल्य को नहीं जान पाए, अपने ही गुरु को, स्वामी को, अपने ही रबाई को, टीचर को, अपने ही शिक्षक को, ईश्वर पुत्र को, अवतार को बेच दिया। क्या मूल्य जाना था उसने, उसी के साथ रहा, उसी के साथ घूमा, वो सारे चमत्कार जो जीसस ने दिखाए सबका वो साक्षी था, अपनी आंखों से देखा था उसने कैसे इस व्यक्ति में प्रेम है और करुणा है, कैसे इसके स्पर्श में कैसी हीलिंग टच है, पावर है, सब कुछ उसने देखा था, फिर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि और दुश्मनों से मिल गया। क्या हमने भगवान का मूल्य जाना है? क्या हमने इस समर्पण का मूल्य जाना है? क्या हमने इस ब्राह्मण जीवन का मूल्य जाना है? क्या हमने इस ब्राह्मण परिवार का मूल्य जाना है? क्या बड़ी बड़ी जो बातें मुरलियों में आ रही है वो केवल थियरी है?
क्या चेतना अध्यात्म के उस आकाश में उड़ रही है जहां पर सारे राज, सारे रहस्य, सारे सीक्रेट स्वतः उसे समझ में आ रहे हैं, या केवल हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं झूठे झूठे? आत्मवंचना। तो संगम युग के दिन कैसे हैं? सबसे पहली बात, बहुत बड़े। कैसे हैं? बड़ा दिन है, ये पहली बात है। तो जल्दी पूरे होने चाहिए या नहीं? बाबा विनाश कब होगा? बच्चे बाप से पूछते हो, पूछते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझसे ये पूछते हो कि आप कब जाओगे? मेहमान से कभी ये पूछा जाता है कि आप कब जाओगे? तो संगम युग के दिन बड़े हैं। इन बड़े दिनों का फायदा उठाना है, बड़ा भाग्य बनाने के लिए, बड़ी तकदीर जगाने के लिए, बड़ी सेवा करने के लिए, स्वयं को ज्ञान से भरने के लिए। दूसरा, ये दिन उत्सव के दिन है, उत्साह के दिन है, खुशी के दिन है। कैसे दिन है? उत्सव के। हर दिन उत्सव मनाना, उत्साह के, हर दिन उत्साह में रहना, और खुशी के। हमारे संगम के दिन कैसे कट रहे हैं? खुशी में, उत्साह में, झूमते हुए, नाचते हुए, डांसिंग मसीहा की तरह, डांसिंग प्रोफेट्स की तरह नाच रहे हैं, या आंगन को ही दोष देते रहे? ये स्थान ठीक नहीं, ये सेंटर ठीक नहीं, ये बहन ठीक नहीं, ये भाई ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये वातावरण ठीक नहीं। क्या हम कर रहे हैं? तो ये दिन कैसे हैं? खुशी के। तुका मने आम्हा दिवस रात्र। युद्धा सा प्रसंग, एक जगह संत लिखता है युद्ध का तो प्रसंग है, परंतु दूसरी तरफ वही संत लिखता है विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। उस परमात्मा के राज्य में हर दिन हमारे लिए दिवाली है। क्या ऐसी दिवाली रोज है? ये दूसरी बात। तीसरी बात, इस दिन पर वृक्षपति आकर क्या कर रहा है? कौन बताएगा? कहानी सुना रहा है। कौन सी? कल्प वृक्ष की कहानी, सृष्टि के आदि मध्य की अंत की कहानी। अल्फा एंड ओमेगा क्या है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड क्या है, इस संसार का ऐसी सुंदर कहानी वो सुना रहा है। कहानियां सुनाना उसे बहुत प्रिय है, भगवान को। द डिवाइन स्टोरी टेलर है वो, द सुप्रीम स्टोरी टेलर। वो कहानी सुना रहा है, हम सो तो नहीं रहे। चौथा, ये जो वृक्ष है इसके हम कहां पर है? फाउंडेशन पर है। और क्या कर रहे? जगमगा रहे हैं इस वृक्ष को। वृक्ष पहले ही जगमगाता है, ऐसे जगमगाते वृक्ष को हम जगमगा रहे हैं। क्या वास्तव में ये कर्तव्य कर रहे? एक सुंदर संकल्प है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं, और ये संकल्प हरेक को करना है भोजन करते समय। क्या सोचेंगे? भोजन करते समय मैं कहां बैठा हूं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। एक एक निवाला, एवरी मॉर्सल ऑफ फूड, एक एक गिट्टी जो मैं खा रहा हूं, वो संसार की हर आत्मा को जा रही है। इस संसार का कोई भी भूखा ना रहे, केवल ब्राह्मण आत्माओं को नहीं, केवल अज्ञानी आत्माओं को नहीं, सब आत्माओं को। जिस किसान ने इस भोजन को बनाया, उसका बेटा भूखा ना रहे। ऐसे धन्यवाद, ऐसी प्रसन्नता के भाव के साथ, और हम ये खा रहे हैं कहां बैठकर? कल्प वृक्ष के नीचे। और जो जो मुझ में जा रहा है, मुझसे फैलकर
सारे वृक्ष में जा रहा है, फिर से ये वृक्ष हरा भरा हो रहा है। जो ज्ञानी है उनको ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, दुख भंजक दुआ और दवा का काम करने वाला भोजन। तो चौथी बात है, हम कहां हैं? फाउंडेशन में जगमगा रहे, प्रकाशित कर रहे, आलोक पहुंचा रहे अपना। उसके लिए दूसरी बात है, हमारे अंदर कितना प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। अंधकार जहां आ ना सके, ऐसे ज्ञान से स्वयं को भर देना। अंधकार वहां जाता है जहां कोई चांस हो, चांस ही ना देना अंधकार को आने का। सारी जो भी लीकेजेस है, जहां से वो आता है, जो उसके एंट्री पाथ है, स्टॉप कर देना, प्रकाश से भर देना। पांचवा है, क्रिसमस ट्री को बाबा ने याद किया। और हम सब कौन है? लकी स्टार, लवली स्टार। हम सब कौन है? लाइट वाइट एंजल्स। संसार में जो कुछ है उसकी तुलना हमेशा बाबा ज्ञान से करते हैं। ये कितनी अच्छी आदत है। संसार में चलते समय झाड़ को देखो तो कल्पवृक्ष याद आए। जो भी संसार की वस्तुएं देखो, ज्ञान याद आए। ये गुलदस्ता देखो, बाबा ने गुलदस्ते के विषय में क्या कहा वो याद आए। चाबी को देखो, चाबी के विषय में क्या कहा वो याद आए। जो भी चीज को देखो, प्रकृति को देखो, आकाश को, झरनों को, समुन्दर को, हवा को, सब कुछ देखते हुए ज्ञान से उसको जोड़ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पिरिचुअलाइजेशन, सब्लिमेशन। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, जो भी दिख रहा है ज्ञान से मन ही मन अंदर ही अंदर जोड़ते जाना। तो ये क्रिसमस ट्री में हम सब कौन है? स्टार्स, एंजल्स। छठवा, संगम युग के दिन है, अंधेरे को रोशनी करने वाले, रात को दिन करने वाले। रात बहुत गहरी है, पर रात कैसी है? गहरी है। कभी कभी चलते चलते व्यक्ति उदास हो जाता है। एक कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जो है जर्जर हो गई है, संघर्ष करते करते थक गई है, परंतु अभी भी लहरों से तो टकरा रही है। पुरुषार्थ करते करते ब्राह्मण आत्मा भी कभी कभी थक जाती है, परंतु करते रहना, छोड़ नहीं देना एकदम, लहरों से टकराते रहना। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तेल है, बाती भी है, केवल बुझ गई है, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है। वो चिंगारी कहीं से भी आ सकती है, किसी से भी आ सकती है, किसी भी स्थान पर आ सकती है, केवल देखते रहना, ढूंढते रहना, आ जाएगी। छोटे से बच्चे के मुंह से आ सकती है, किसी क्लास से आ सकती है, कोई एक शब्द होगा जो सीधा तीर की तरह चुभेगा और चिंगारी जल उठेगा। दिया एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। दुखी है, कह रहे हैं बाबा पुरुषार्थ हो नहीं रहा, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा, पर इतना भी तो कह रहे हो, ये भी तो महसूसता है, ये महसूसता ही काफी है, एक दिन संपूर्णता तक ले जाएगी। डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवीय संतोष ले जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन तो है। एक व्यक्ति है जो बड़ा अहंकारी है, पर उसे अपने अहंकार का पता है कि सेवाएं होती है और मैं अपना नाम करता हूं, मुझे भी पता है, पर क्या करूं, छूट नहीं पा रहा अहंकार। पर उसे रियलाइज तो हुआ है कि ये अहंकार है, ये रियलाइजेशन एक दिन उसे उस अहंकार से भी मुक्त कर देगा।
एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। पूरे नगर पर, जीवन रूपी नगर पर दुख की चादर है जैसे अंधेरे की, परंतु एक सड़क फिर भी है जो भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में, निर्वसन अर्थात निर्वस्त्र मैदान में लेटी हुई जो नदी है, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है, अभी तो बात करती है। कितने भी विघ्न है फिर भी बात करना उसने छोड़ा नहीं है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है। वो साहस, वो बल, वो करेज अभी भी छोड़ा नहीं है। पहुंच जाऊंगा मंजिल तक, यह विश्वास है। मार्ग में बाधा बहुत है पर आकाश सी छाती है। विश्वास है, छत्र ऊपर है, निश्चय है विजय का। निश्चय विजय तक ले जाएगा। तो छठवीं बात है, क्या बताइए? संगम युग के दिन कौन से है? रात को दिन करने वाले, अंधेरे को प्रकाश करने वाले, रोशनी में लाने वाले। आठवां है, सातवां ब्रह्मा भोजन, आत्मा का भोजन। सपरिवार संसार में लोग खाते हैं, वो कहां का यादगार है? यहां का। और यहां जब ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं उसका भी यादगार उधर भक्ति मार्ग में है। ब्राह्मणों के पेट देखे ना, उधर भोजन के संबंध में एक नियम आपको बता रहे हैं। भोजन के पहले जो हल्कापन है, भोजन के बाद भी वही हल्कापन मन और पेट दोनों में महसूस हो। इतना ना खा लो, अधिक खाना तमो प्रधानता की निशानी है, चाहे वो ब्रह्मा भोजन ही क्यों ना हो। खाने से पहले जो हल्कापन है, भोजन के बाद भी वही हल्कापन रहे। और जहां मन हल्का होगा, स्वाद लोलुपता नहीं होगी, वही आत्मा शरीर से अलग होकर उस धाम तक जा सकेगी। नहीं तो आबद्ध हो जाएगी। ये भी एक दीवार है भोजन। सारा समय उसी का चिंतन, उसी की चिंता। तो वो लोग सब परिवार खाते हैं, हम लोग भी सब मिलके खाते हैं। 88 की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा ये भोजन कैसा है, दुख भंजक, दुआ और दवा दोनों का काम करता है। श्रेष्ठ समान में खाया जाए, मौन में खाया जाए, स्थिर बुद्धि से खाया जाए, प्रसन्नता से खाया जाए, कंप्लेंट के साथ न खाया जाए, ग्रेटिट्यूड से खाया जाए तो शक्ति बनेगा। आठवां, ज्ञान अमृत, रूहानी नशा लवलीन। इस संगम युग पर तुम्हें ज्ञान अमृत मिल रहा है, पर ज्ञान केवल जाकर मुरली सुनना यहां तक सीमित नहीं। ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात परिवर्तन, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात प्रतीति, ज्ञान अर्थात रग रग में वो समा जाए, ज्ञान अर्थात स्वरूप, ज्ञान अर्थात एम्बॉडीमेंट, तब वो अमृत है। नहीं तो इधर ज्ञान भी पी रहे और दुखी भी हो रहे, आंखों से आंसू भी और मुख से बाबा बाबा भी। बैलेंस। लास्ट, नौवीं बात जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी, कंगन, सर्व प्राप्तिया आह्वान करना है। अमृत वेले यह अभ्यास सभी को करना है। जो चीज नहीं हो पा रही है उसका सूक्ष्म में आह्वान करना,
जो व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा उसको अमृत वेले सूक्ष्म में आह्वान के द्वारा वो बात समझानी बतानी। जिस व्यक्ति से हमें कुछ कहना है जो दूर कहीं पर है उसको संकल्पों से स्पिरिचुअल टेलीपैथी इसको कहा जाता है। एक संसार की टेलीपैथी है, एक स्पिरिचुअल टेलीपैथी है। विदेश में कई लोगों ने इस पर किताबें लिखी और बहुत काम भी किया है। तो ये 9 बातें हैं। पहली बताई ये दिन कैसे है, बहुत बड़े। दूसरी बताई ये दिन खुशियों के है, ये दिन उत्साह के है, ये दिन उत्सव के है। हर दिन हमारा उत्सव हो जाए, केवल एक दिन नहीं। और हमारा उत्सव सूक्ष्म है, हमारा उत्सव हर बात में सूक्ष्म है। वो बाहर का उत्सव हमारा नहीं है, वो जो हद की मौज है वो हमारी मौज नहीं है, हमारी मन की मौज है। अब मौज नहीं मनाओगे तो कब मौज मनाओगे? ये मौजों का युग है, मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम। स्पिरिचुअल मौज, रूहानी मौज, आध्यात्मिक मौज का मार्ग पर त्याग से गुजरता है, वैराग से गुजरता है, तप से गुजरता है। तेन तत्वेन भुग्निता, संसार की वस्तुओं का भोग करना है तो त्याग कर करो। अद्भुत महावाक्य है एक उपनिषद में, जो चीज एंजॉय करनी है उसको छोड़कर उसको एंजॉय करो, वही परम भोग है। तो तीसरा, चौथा, हम कहां पर हैं? जड़ों में, फाउंडेशन में। पांचवा, हम कौन हैं? स्टार्स, एंजल्स, वाइट। छठवा, रात दिन हो गई। सातवा, ब्रह्मा भोजन हमें मिला है, उसके महत्व को जानना, थाली में उतना ही जाए जितना हम खाने वाले हैं, मुहर के समान है, वेस्ट ना हो जाए। चाय उतनी ही लेनी है, आधी पी के आधी रख नहीं देनी है। मधुबन में दिखाई देते ये सारे दृश्य, जरा भी वेस्ट ना हो। अगला, आठवा, ज्ञान का अमृत का नशा। और लास्ट, कंगन, मन ही मन। ये 9 की 9 बातें रिवाइज करेंगे। मधुबन के एक वरिष्ठ भाई ने एक बात बताई थी कि एक समय बाबा हिस्ट्री हॉल में माताओं से मिल रहे थे। भाइयों को लगा माताएं मिल रही है, हम भोजन करके आते, तो भाई भोजन करने चले गए। माताएं बाबा से मिली हिस्ट्री हॉल में, अब कब तक मिलेगी, तो वो भी चली गई और बाबा अकेला बैठा था हिस्ट्री हॉल में। कोई आए मुझे देखे, मुझसे बात करे, इस मुरली में बाबा ने एक भविष्यवाणी की, एक समय आएगा केवल दृष्टि मिलेगी और यही दृष्टि फिर भक्ति मार्ग में क्या बन जाएगी? दर्शन। लोग खाली देखेंगे ये है भगवान बस। और अभी तो वो समय चल रहा है, वो भी पाठ पूरा हो रहा है, समय अंतिम सांसें ले रहा है। तो ये एक सुंदर भविष्यवाणी, दृष्टि क्या बनेगी? दर्शन। इसके लिए अपने नैनों में उसको अभी से समा लेना है पूरी तरह से। 2 ग्रुप से बाबा मिले, यूके और ऑस्ट्रेलिया। यहां ढेर सारे सामान दिए हैं, गुलदस्ता, सिकिलता, रूहे गुलाब हो, तुम्हारा मूल्य केवल बाप जानते हैं और कोई नहीं जानते, नशा रहना चाहिए कि बाबा का प्यार मुझसे ज्यादा है। एक भाई मिले थे, वो कह रहा था कि मैं बाबा से डिजिटल योग करता हूं। हमने कहा कैसे? उसने कहा हमने आज अच्छा प्रयोग किया बाबा से, सुबह सुबह बाबा को कहा बाबा मेरा दिल मोबाइल है और आप सिम हो। तो मैंने कहा बाबा ने क्या कहा? तो बाबा ने कहा डबल सिम वाला तो नहीं है? एक राम एक काम, एक बाबा एक रावण। तो उसका मुझसे अधिक प्यार है। ये नशा, अपने मूल्य को जानना। और बाबा ने एक सुंदर बात कही, कहां कहां विदेश में चले गए थे बाबा ने क्या किया?
ढूंढ कर लाया, पकड़ कर लाया। जीसस अपने शिष्यों से कहता है, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तुम इस संसार के लिए नहीं हो, मैंने मेरे काम के लिए हो, मैंने तुम्हें चुना है, एक एक को चुना है। वैसे भगवान भी कहां कहां कौन कौन था बराबर पकड़ के लाया, ये मेरे काम का है। उसके बाजू वाला जो था गांव में घर, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था, पर चुना हमको जो कम योग्य लग रहे थे। हमसे ज्यादा योग्यता सब हुनर, बुद्धि, इंटेलेक्ट उसमें थी, पर फिर भी मुझे चुना। तो बाबा ने क्या किया, विदेश में चले गए थे। माय शिप्स विल हियर माय वॉइस, आई एम द गुड शेफर्ड। मैं बहुत अच्छा चरवा हूं, मेरी जो भेड़े होगी वो मेरी आवाज सुनेगी। इस झाड़ के जो पत्ते होंगे वो निकल निकल कर आ जाएंगे। तो हमने उसकी आवाज सुन ली। कितना बड़ा ये भाग्य है हमारा कि उसने हमें चुना, कितना बड़ा ये भाग्य है हमारा। ये सेवा के लिए वो किसी और को भी नियुक्त कर सकता था, उसने हमें चुन लिया, कितना बड़ा भाग्य है। ऊपर पानी की टंकी, हम नल है, उसने इस नल को चुना, उसके उस विराट ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए। और यदि नल सोचे कि मेरा पानी है, मैं ला रहा हूं, तो क्या होगा? जब भी अध्यात्म का एक नियम और है, इन्वर्टेड कॉमा, जिस जिस व्यक्ति को जब जब अपनी विशेषता पर अहंकार आएगा, वो विशेषता नष्ट हो जाएगी। जब जब नल को ये लगेगा कि मैं पानी दे रहा हूं, मेरे वजह से कितनी सेवाएं हो रही है, कितने लोगों की प्यास बुझ रही है, पानी दूसरे नल से आना चालू हो जाएगा। और फिर ईर्ष्या होगी कि ये आगे क्यों जा रहा है, इसकी इतनी महिमा क्यों, मैं और दूंगा, और जितना मैं और दूंगा उतना पानी और सूखते जाएगा। विशेषता है, योग्यता है, निमित्त भगवान ने बनाया है, किसी जगह पर रखा है, सोच कर रखा है। अगर किसको ये सोच ले कि मैं बॉस हूं, ऑफिसर हूं, मेरे अंडर ये लोग हैं, मैं ऑफिसर हूं, ऑफिसर नहीं बन जाना है यहां पर, तो ये एक बात। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वालों को 2-3 सम्मान दिए बाबा ने। बहादुरों का स्थान है, महावीर है, मायाजीत है, और तीसरा संतुष्ट मणि है। स्थान से, व्यक्तियों से, संबंध संपर्क से, सभी से संतुष्ट, मायाचित संतुष्ट, दिल तख्त नशीन, बेफिक्र। और फिर लास्ट में विदाई के समय बहुत सुंदर एक बात कही, कौन सी? जागरण। तुम जागते हो, कौन सी बड़ी बात है? तुम जागते हो, कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे भक्त भी जागते हैं। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, भक्त कब कब जागते हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। एक कब कब जागते हैं, कहां कहां जागते हैं, और वो जागने से हमारा क्या संबंध है? क्यों जागते हैं, कहां जागते हैं, कितना देर जागते हैं, कैसे जागते हैं, और करते क्या है जागकर, और हम जागते हैं तो क्या करते हैं जागकर। तो ये मुरली का एक भाग है, एक भाग बाकी है, वो आगे कभी करेंगे। ऐसे कैसे, अब आप बताओ, पूरी मुरली रिवाइज करानी है। ऐसे महावीर आत्माओं को, ऐसे मायाजीत आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे झाड़ के नीचे जो है जगमगाते हुए और झाड़ को जगमगाहट से भरने वाली आत्माओं को, ऐसे लवलीन आत्माओं को, ऐसे बड़े ते बड़े आत्माओं को, महान ते महान आत्माओं को, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे किशमिश से भी मीठे आत्माओं को, ऐसे स्नेह के कंगन धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिनके पास मास्टर की है, ऐसे जिनके पास ईश्वरीय जादू का कंगन, वो एक ही हो गया, जादू का कंगन, स्नेह का कंगन, मूल्यवान कंगन, ऐसे ऐसे संसार की आत्माओं के दादे पर दादे, ऐसे डबल मूल्यवान आत्माओं को, ऐसे सारी दीवारों को क्रॉस कर सीधा
बाप के पास आने वाली आत्माओं को, ऐसे जिनके दिल रूपी मोबाइल में केवल एक ही सिम है, बाबा नाम का एक ही सिम रखा है बस। नहीं तो जिसके हृदय में दो सिम है, कभी ये नेटवर्क बाबा का कम होगा तो रावण का नेटवर्क चालू हो जाएगा, सोचेंगे इसमें से चला लेते अभी। रावण का नेटवर्क कहीं पर भी जाता नहीं, सिग्नल सब जगह है। तो ऐसी और बताओ, बोलते जाओ। ऐसी ऐसी भगवान ने इस प्रभु मिलन में तुम्हें एक विशेष गिफ्ट दी है, सौगात प्राप्त करने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे मन की मौज मनाने वाली आत्माओं को, संगम युग जिनके लिए मौज है, ऐसी जो निरंतर खुशी में रहने वाली आत्माओं को, उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, उत्सव में रहने वाली आत्माओं को, उमंग में रहने वाली आत्माओं को, ऐसी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली आत्माओं को, ऐसी ज्ञान अमृत पीने वाली आत्माओं को, ऐसी ब्रह्मा भोजन खाने वाली आत्माओं को, ऐसी लाइट माइट आत्माओं को, ऐसी लवली लवलीन लकी स्टार्स और जो डेकोरेशन है इस संसार का, श्रृंगार है आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते बोलो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।